हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जन शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से सोनीपत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20वां मील चौक से 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 11 फ्लाईओवर के निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक मौजूद रहे। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ट्रेन में, और मैं समझता हूँ कि इससे सरल, इससे सुगम, इससे आरामदायक और कोई ऐसा सफर नहीं होता है, क्योंकि सड़क मार्ग और हवाई मार्ग इससे ज़्यादा अच्छा रेल मार्ग है। समय मिल जाता है, लोगों से बात करते हैं, टेलीफोन सुन लेते हैं, फाइल निपटा लेते हैं और दो घंटे तीन घंटे का समय इसका पूरा उपयोग होता है। आज मैं रेलवे के सफर में मुझे थोड़ा पुराना अनुभव है, लेकिन जन शताब्दी में जाने का भी अपना एक अच्छा अनुभव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन नेशनल हाईवे 44 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब निर्माण कार्य शुरू किया तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और उसके बाद किसान आंदोलन के चलते आपको काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैं आज रमेश कौशिक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार पीछा किया और इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। उन्होंने कहा कि यह हाईवे चंडीगढ़ तक जाने में आपको अच्छी सेवा देगा। वहीं कहा कि एयरपोर्ट जाने के लिए हम नया रोड बना रहे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट तक हम 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोनीपत की अनाज मंडी में बीजेपी की गौरवशैली रैली हुई। इस मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन में कहा कि हमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मार्गदर्शन मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से नितिन गडकरी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हमारी अपेक्षा है कि आप जब भी हरियाणा में आते हैं तो हमें कुछ नया देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि नितिन गडकरी जादूगर से कम नहीं है, क्योंकि यह निवेश कराने में कम नहीं है। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। मंगलवार को अनाज मंडी में सीएम ने कहा कि हमने 3D पर प्रहार किया है। पूर्व की सरकार ने दरबारी डीलर व दामाद की चलती थी। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी केवल कांग्रेस नेताओं की हटी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।